क्या बना रही हो अभी? Hey guys, welcome to चंदा दी रसोई 24। तो आज हमारे किचन में बन रही है मसाला लच्छा पराठा, तो चलिए बनाते हैं आपके साथ। तो मैं ये देखिए एक कप आटा ली हूँ और इसका मैं डो बना दी हूँ और इसे मैं 5 मिनट छोड़ दी थी और इससे ये देखिए मैं छोटे छोटे पेड़े बना के पराठा बना रही हूँ और उसमें मैं चारों तरफ से घी स्प्रेड कर दी हूँ और ऊपर से इसमें मैं ये कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी हूँ, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें चाट मसाला डाल दी हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ। और इसे देखिए मैं कट करके फटाफट बना के दिखाता हूँ। ताला भी मैं स्प्रिंकल कर दी हूँ और देखिए सारे को मैं कट करके और आप इसे एक दूसरे पर समेटते चले जाए, रिबन ऐसा काट के और एक दूसरे पर समेट दे पेट के, इसे अंदर से आप बाहर कर लें और इसे बेल दें। 1 टीस्पून मैं इसमें रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ और इसे डाल देती हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे, फिर इसे नीचे ले जाए, फिर ऊपर लाए, फिर इसे नीचे ले जाए, फिर ऊपर लाए, ऐसे करके और फिर चारों तरफ से इसे गोल गोल, ये देखिए ऐसे करके और इसे अंदर से ऐसे लिया और बेल दें। दोनों साइड से मैं थोड़ी थोड़ी रिफाइंड ऑयल डाल दी और ये देखिए हमारा मस्त लच्छा पराठा बन चुका है। अब मैं दूसरे को इसमें डाल देती हूँ, कट कर दी हूँ 4 फोल्ड में और इसे ऐसे ऐसे और ऐसे और इसे मैं बेल के फिर फोल्ड कर दूँगी। लास्ट लच्छा पराठा भी देखिए कितना तहे तह बना है, मसालेदार लच्छा पराठा और इसे मैं अब डिसआउट कर देती हूँ। लच्छा पराठा बन गया तो ना? यस, देखिए कितना मस्त बना है सर, आप देख सकते हैं। वाह, एक हाथ में आने वाला ये लच्छा पराठा मैं बना रही हूँ। ये भी देखिए इसकी कितनी तह है, 1 2 3 4 5 6 तह है इसमें। और ये देखिए हमारा लच्छा पराठा, वाह देखिए कितना मस्त बना है। तो अगर आपको हमारे लच्छा मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।